प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते नजर आते हैं, तो वहीं भाजपा के बड़े नेता दलितों के घर जाकर भोजन भी करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दलित परिवार की महिला को शिव मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा है। ये वीडियो शिवरात्रि का बताया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और पहली बार 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 शब्द दोहराओ माती एक ही भी सजाना चाहिए कहीं तुम सीधा जान गए हो तो हम बदले पूजा कर नहीं चप्पल तुम यहाँ से पूजा कर ले बता यहाँ से कैसे पूजा कर बता यहाँ से कर पूजा कर हरिजन का मंदिर में जाने दे दो कहीं। हाँ तो तुम नहीं जाना देता नहीं तो वो पुलिस आओगे सब नंबर अभी डायल कर। दरअसल एक महिला पूजा की थाली लिए शिव मंदिर की चौखट पर खड़ी है, लेकिन उसे अंदर जाने से मंदिर के पुजारी और वहाँ खड़ी महिलाएं रोक रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद दलित समाज के लोग खरगोन में एसपी ऑफिस पहुंचे और पुजारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने पुजारी सहित दो अन्य महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम टेमला गांव में एक दलित युवती को शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने से रोके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। टेमला गांव की दलित युवती के साथ अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने मुख्यालय खरगोन पहुंचकर एसपी सिद्धार्थ चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जेल में कई मंदिरों में जाने से रोका जाता है। इसके विरोध में पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बताया जा रहा है कि टेमला गांव में महाशिवरात्रि के पर्व पर दलित युवती पूजा खांडे को पुजारी सहित दो महिलाओं ने मंदिर में जाने से रोका था। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद युवती सामने आई और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दलितों के मंदिरों में जाने से रोकने का विरोध किया। वीडियो वायरल होने के बाद दलित समाज के लोग इस घटना के विरोध में आ गए, जिसके बाद मेनगांव थाने में पुजारी और दो महिलाओं सहित कुल तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक महिला मंदिर की चौखट पर खड़ी है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। महिला से कहा जा रहा है कि वो बाहर से ही पूजा कर सकती है। इस पर महिला कहती है कि वो बाहर से कैसे पूजा करेगी, लेकिन मंदिर के पुजारी उसे अंदर आने से बार बार रोक रहे हैं। तभी वहाँ पूजा कर रही एक अन्य महिला भी दलित महिला को मंदिर में न जाने के लिए कहती है। इस पर दलित महिला कहती है कि वो पुलिस बुलाएगी। इसके जवाब में ये महिला कहती है कि हाँ पुलिस बुला लो। काफ़ी देर तक ये महिला पूजा की थाली हाथ में लिए मंदिर की चौखट पर खड़ी रहती है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, दलित युवती ने आरोप लगाया कि निमाड़ के प्रसिद्ध पर्व गणगौर पर माता विराजी जाती है, लेकिन जब दलित समाज के लोग माता लेकर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में रोका जाता है और उन्हें दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा जाता है। महिला ने कहा कि जिस रास्ते से हम होकर निकलते हैं उस रास्ते पर कंकर पत्थर और कांटे भरे पड़े होते हैं, हम लोगों को कांटे भरे रास्तों पर चलना पड़ता है। दलित युवती ने कहा कि आखिर कब तक ये सामाजिक असमानता बनी रहेगी, जबकि सरकार इस कुप्रथा को समाप्त करने की बात कहती है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि पुलिस को वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली थी, गांव में पुलिस भेजी गई थी, लेकिन सामाजिक कारणों से पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। आज सुबह पुलिस ने गांव में पहुंचकर बयान के आधार पर धारा 505 आईपीसी 2 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। न्यूज डेस्क टाइम 24 न्यूज। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।